नमस्कार। मम्मी एम्मी किचन फूड में आपका स्वागत है। और आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जा रही हूँ अंडा दो प्याज़ा बनाने, तो चलिए मैं बना के दिखा रही हूँ। अंडा दो प्याज़ा के लिए मैं अंडा उबाल के और कटिंग कर ली हूँ, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और लंबी वीडियो ना बने। अब इसे फ्राई कर लूँगी। तेल में थोड़ी सी हल्दी डाल दी हूँ। देखिए, एक तरफ से ही फ्राई करेंगे। देखिए, अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अंडा फ्राई करके निकाल ली हूँ। अब जीरा मसाला बनाऊंगी, दालचीनी, एक लौंग, जीरा चटक रही है, प्याज, इसमें टाइम भी नहीं लगता, फटाफट बन जाता है, बहुत इजी है। अंडा दो प्याज़ा के लिए देखिए, प्याज फ्राई हो गया, इसे हाफ फ्राई करते हैं। अब इसमें मैं मसाला डालती हूँ, और मसाला में है हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और जीरा मरीच, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये पिसी हुई प्याज थोड़ी सी। अब इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। नमक स्वाद अनुसार। नमक और मिर्ची अपने स्वाद अनुसार रखिए। मैं कोई गरम मसाला नहीं डाल रही हूँ, ना कोई चिकन मसाला डाल रही हूँ ना इसमें। इसी मसाले में बहुत ही टेस्टी बनेगा। थोड़ा लहसुन की मात्रा ज़्यादा रखिए, बहुत टेस्टी बनेगा, और प्याज, तभी तो अंडा दो प्याज़ा बनेगा। नहीं तो बस गरम मसाला के ही ज़्यादा खुशबू आ जाएगी, और चिकन मसाला के तो प्याज के कोई फ़ायदा नहीं होगा डालने से। अंडा दो प्याज़ा में प्याज की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहता है। थोड़ी मोटी मोटी भी काट लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। मसाले में तेल छोड़ दिया है चारों तरफ से। थोड़ी सी इसमें पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। बस हल्का सा पानी, और इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, और इसके अंदर अंडा डाल दीजिए। ये देखिए, और बस 2 मिनट के लिए इसे ढक दीजिए। कस्तूरी मेथी के फ्लेवर बहुत ही यम्मी आएगा इसमें। ये देखिए, 2 मिनट बाद बिल्कुल बन के तैयार है अंडा दो प्याज़ा। अब मैं गैस कम कर रही हूँ। आपके पास धनिया है तो धनिया से सजा दीजिए। मेरे पास अभी धनिया नहीं है, इसलिए धनिया से नहीं सजाई हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मम्मी यम्मी किचन फूड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।